बहू भी बेटियों की तरह होती है। मध्य प्रदेश के धार में एक परिवार ने एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। दरअसल कोरोना काल में इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया। बहू विधवा हो गई, जिसके बाद सास ससुर ने बहू को बेटी की तरह रखा। एक साल बाद दोबारा शादी कराकर बेटी की तरह ही उसे विदा भी किया और इतना ही नहीं गिफ्ट के रूप में उसे एक बंगला भी दिया। धार शहर के रहने वाली युग तिवारी ने अक्षय तृतीया पर अपनी विधवा बहू ऋचा तिवारी की शादी करवाई। नागपुर के रहने वाले वरुण मिश्रा से उसकी शादी हुई। दरअसल युग तिवारी के बेटे प्रियंक तिवारी की 25 अप्रैल 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। ससुर का कहना था कि उनका दामाद वरुण होस्टल संचालक और प्रॉपर्टी ब्रोकर है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2011 को उनके बेटे प्रियंक की शादी ऋचा से हुई। युग रिटायर्ड एसबीआई एजीएम है। प्रियंक भोपाल के नेटलिंग कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और भोपाल में ही उसकी पोस्टिंग थी। साल 2013-14 में उन्हें एक बेटी हुई थी, जिसका नाम आन्या तिवारी है। शादी के बाद आन्या भी अपनी मम्मी के साथ नागपुर चली जाएगी। प्रियंक की मौत के बाद कंपनी ने उसकी पत्नी ऋचा को जॉब दे दी। युग का कहना है कि बहू को बेटी मानते हैं, इसलिए ऋचा और आन्या के भविष्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने एक साल तक बहू के लिए योग्य वर की तलाश की। इसके बाद उन्होंने ऋचा के मायके वालों से इस बारे में बात कर उनकी सहमति से सास ससुर ने माता पिता बनकर बहू को विदा किया। तिवारी परिवार ने अपनी बहू की शादी कन्यादान सहित हर रस्म खुद निभाई है। शादी का पूरा खर्चा भी उन्होंने खुद उठाया और पूरी धूमधाम से बेटी समान बहू को विदा किया। साथ ही नागपुर में उनके बेटे प्रियंक ने जो बंगला खरीदा था वो बंगला भी उन्होंने अपनी बहू के नाम कर दिया।